पुर्तगाल में हूँ और इस वक्त लाइव आपके बातें कर रहा हूँ दोस्तों। यह एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इंसान देखो तरक्की कैसे करता है। हमारे एक बंदे से मिलाने जा रहा हूँ जिसका 1.5 साल पहले मैंने इंटरव्यू लिया था। पाकिस्तानी भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, उनका नाम शाहिद है। पहले दुबई के अजमान में काम करते थे और अब अपना वो पुर्तगाल में खुद कर, लेकिन स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा दोस्तों, इतनी आसान चीज़ नहीं है। पहले मैं उनका आपको शॉप दिखाना चाहूँगा, ये देखो इन्होंने खुद का भी शॉप खोल लिया। इनकी हिस्ट्री बताऊँगा लेकिन पहले इनका शॉप देखो, इनका ये शॉप का नाम है देखो, ये सारी सर्विसेज ये देते हैं यहाँ पे, ये सारी सर्विसेज देते हैं यहाँ पे। और इनका शॉप का नाम ये है स्टार लाइन बार्बर शॉप, ठीक है। और ये इनका एंट्रेंस लेते हैं, और यहाँ से एंट्रेंस लेते हुए ये देखिए, और इस इनका एक वीडियो आने वाला है हमारे पंजाबी भाई का, और ये हमारे शाहिद भाई है। तो शाहिद भाई फिर से मैं आपके पास आपके एक शॉप के अंदर घुस गया। पहले भी ऐसे ही हुआ था कि आपको शॉप से उठा के इंटरव्यू लिया था। तो शाहिद भाई कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे आपके बारे में। ये शॉप थोड़ा खड़े हो जाइए, हमारे सब्सक्राइबर को पूरी तरह से दिखना चाहिए आपका पूरा फेस। तो बात करते हैं शाहिद भाई से डायरेक्ट। शाहिद भाई आपको ये याद है हमने इंटरव्यू कब लास्ट लिया था? 1.5 साल हो गया, 1.5 साल पहले, 1.5 साल हो गया है इंटरव्यू लिए हुए। और 1.5 सालों में इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को चेंज कर दिया है। अजमान में कितने साल काम किया आपने? मैंने 10 साल काम किया। 10 साल अजमान में काम किए, फिर किसी एजेंसी के थ्रू ये माल्टा गए। माल्टा से पहले एक रूल होता था कि इजीली तरीके से लोग निकल जाते थे, तो उनमें ऐसा इनके साथ भी हुआ था, 1.5-2 साल पहले निकल गए थे। फिर इन्होंने जॉब कितने साल किया आपने यहाँ पे आने के बाद? 1.5 साल मैंने काम किया। 1.5 साल, उन 1.5 साल के बाद आपने अपना खोल लिया? हाँ, 1.5 साल के बाद भी 2 महीने पहले मैंने अपना। देखिए 1.5 साल में तो लोग ऐसा बोलते हैं कि खाने को इनको पास नहीं होता है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरा तो सही निज़ाम चल रहा था। क्या बोलना चाहेंगे आप बताइए हमारे व्यूअर्स को, क्या बोलना चाहेंगे? 1.5 सालों का स्ट्रगल क्या रहा आपका? हमारा स्ट्रगल मुझे तो इधर इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। आते मुझे 10 दिन में काम मिल गया था। हाँ। तो ओनर भी मेरा अच्छा था, वो पाकिस्तान से थे। पाकिस्तान से थे जी। तो और क्या मतलब 1.5 सालों में आप जैसे आपने बिजनेस खोला, तो कोई ट्रिक्स बताना चाहेंगे लोगों को कैसे तरक्की किया जाए? क्योंकि देखो आप एक लाइव एग्जांपल हो लोगों के लिए। बंदे के पास स्किल होने चाहिए, काम कुछ भी होना चाहिए, वो अपना इधर बिजनेस कर सकता है। थोड़ा सा 1-1.5 साल किसी के पास काम करो, थोड़ा सा नॉलेज हो जाए तो अपना बिजनेस कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको सेविंग करते रहना है। हाँ, सेविंग करते रहना है ना। और एक बात बताइए, जब बिजनेस खोलते हैं तो जॉब करते समय तो फिर कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं होता है? हाँ, हो जाता है। 89 में आ जाते हैं, 88 से। अभी आप किस में हैं? अभी 89 में। अभी 89 में है। तो अभी आप अपने इस शॉप के मालिक है कि आप एज ए एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट में? अभी भी नहीं, मैं शॉप का मालिक हूँ। शॉप के मालिक हैं जी। तो पहले आप 88 में थे, अभी 89 में? 89 में अभी। तो ये जो प्रोसेस होता है कार्ड का, सब सेम होता है? सेम है, कोई प्रॉब्लम। तो लाइसेंस आपको नया निकालना पड़ा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ा, एक्टिविटी ऑन करवानी पड़ती है तो बस। नहीं, आप तो पहले एम्प्लॉय वीजा पे थे ना? एम्प्लॉय के ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाता है ना, ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो अभी आपके यहाँ पे कमर्शियल लाइसेंस भी है? हाँ, सब कुछ है। बट TRC आपको सेम टाइम पे मिलेगा? सेम टाइम पे मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ओके, तो इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहेंगे, क्या सर्विस देते हैं आप? हम इधर सारी सर्विस देते हैं, फेशियल वगैरह, हेयर कट है, लेडीज जेंट्स, और हेयर कटिंग का हम लोग को कितना पे करना होता है यहाँ पे लिस्बन में, या आपके शॉप में कितना पे करना होता है? अभी इधर हमारा 5 यूरो चल रहा है। 5 यूरो चल रहा है। ये लोकेशन कहाँ पे है? ये सिद्धार्थनगर है, से 2 किलोमीटर साइड। कुछ नाम एरिया का मतलब? मेट्रो के आसपास? मेट्रो तो इधर नहीं है, इधर बस स्टॉप है, मेट्रो आने वाली है। हाँ। तो थोड़ा टाइम लगेगा। इस सेंटर का नाम क्या है? इसका नाम कमर्शियल सेंटर है सिद्धार्थनगर का। अच्छा, जो भी नाम है बहुत टफ नाम बोल रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो पुर्तगाल में बिजनेस खोलने के लिए कितना बजट की जरूरत होनी चाहिए? कितना बजट होना चाहिए? 2 से 10 हजार यूरो तो आप अपना बिजनेस, इंडिविजुअल बंदा। हाँ, अगर दो बंदे रहे तो थोड़ा ज्यादा? नहीं, इतना ही है, 9-10 हजार में। तो ऐसा तो पूछना नहीं चाहिए, फिर भी एज ए नॉमिनल पूछता हूँ कि महीने का शुरुआत में तो आपको टफ होगा, तो बचत लगभग कितना हो जाता है सारा एक्सपेंस सैलरी देने के बाद, लगभग कितना बचत हो जाता है? शुरू में बंदे को काम चलना शुरू हो जाए तो 1500-2000 मिलना शुरू हो जाता है। आस्ता आस्ता काम बढ़ता ही है। हाँ, तो बाद में अच्छा कमा सकते हैं? जब बाद में 7000-6000-8000 तक बंदा कमा सकता है। नहीं, सेविंग की बात कर रहा हूँ। सेविंग की? हाँ, सारा खर्चा निकाल के 7000-8000 यूरो। हाँ, देखो भाई अभी एक बात बोलूंगा, इस वीडियो में बहुत सारे लाइव देख रहे हो, ये मत बोलना कि यूरोप में 7-8 हजार यूरो नहीं कमाया जा सकता है। कमाया जा सकता है? हाँ, कमाया जा सकता है, मेहनत करना पड़ेगा। हाँ। कितने एम्प्लॉय रखे आपने? कितने एम्प्लॉय रखे? अभी मैंने, अभी हम 2 हैं, तो बाद में इंशाल्लाह हम 3 हो जाएंगे। तो 3 मतलब आप एक एम्प्लॉय को सैलरी देने के बाद लगभग 5 से 7 यूरो बच जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद, एक साल के बाद, शुरुआत में इतना नहीं, शुरुआत में इतना नहीं, एक साल के बाद एवरेज आनी शुरू हो जाती है। मतलब अगर 10 हजार यूरो हो
और लेकिन 10,000 यूरो होगा तो उसके शुरुआत में इतना तो नहीं बचेगा ना? नहीं इतना नहीं, 1500-2000 तक बचना शुरू हो जाता है, फिर बाद में 5,000 तक बच सकता है। 5,000 मतलब लगभग इंडिया का 5 लाख अगर कमाना है, जितने आप लोग मेहनत करोगे इधर इतना आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक मैसेज हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए क्या देना चाहेंगे, हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए जो वहाँ से देख रहे लाइव आपको? पाकिस्तान से जो भी इधर आएंगे, कोई भी आए काम सीख के आए, थोड़ा इधर आ जाइए आप, एजुकेशन लाइट आपका नहीं, एजुकेशन इधर मैटर नहीं करती, एजुकेशन इधर मैटर नहीं करती, इधर हुनर काम आता है, कुछ भी आपसे स्किल सीख के आए तो कोई भी स्किल, कुछ भी स्किल सीख, जैसे कि एग्जांपल आप हेयर कटिंग का किया, आप मोबाइल का सीख आए, कोई बाहर का काम जो भी बिल्डिंग का करना चाहते हैं वो भी आ जाए, तो उन्हें एक टाइल्स मिशन, जैसे कि आप कितने सालों से रह रहे, 1.5 साल से, तो आपको नॉलेज हो गया ना, एक इलेक्ट्रीशियन कितना कमा सकता है यहाँ? इलेक्ट्रीशियन इधर 60 यूरो 50 यूरो डेली पर डे कमा सकता है, 8 घंटे का, 8 घंटे का। और मतलब ये CF में, मतलब लीगल एंट्री में, बगैर TRC, हाँ बगैर TRC इतना मिल जाता है। तो टाइल्स मेसन कितना सेम कमा सकता है? हाँ 2025 वो भी कमा सकता है महीने का, टाइल्स मेसन। हाँ टाइल्स पुर्तगाल में, हाँ पुर्तगाल, लोग पुर्तगाल में बोलते हैं सैलरी 700 रुपया है। नहीं नहीं वो घंटे के हिसाब से मिलते हैं फिर। अच्छा हाँ, टाइल्स मेसन 2,000 यूरो तक पुर्तगाल में कमा सकता है? हाँ कमाते हैं भाई, ये तो मैंने कभी नहीं सुना था कि इतना कोई कमा सकता है। इसके अलावा कौन से, जैसे अब देखो अब इस मार्केट में, अब लोकल मार्केट में आपके पास कमर्शियल सेंटर है, तो इसमें सबसे ज्यादा डिमांडेड जॉब है इस वक्त किस पुर्तगाल में, किस चीज का है? यही है, जिसके पास हुनर है उसको कोई भी जॉब मिल, कोई भी जॉब का प्रॉब्लम नहीं है, कोई जॉब का प्रॉब्लम है, जिसके पास हुनर नहीं है उसको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। तो अगर जिसके पास हुनर नहीं है तो किस लाइन में जाए वो? तो फिर ये बाइक वाली साइड पे आ सकता है, बाइक चलाए, हाँ बाइक चला, उबर में चला सकता है, उबर में चला सकता, इंडियन पाकिस्तानी लाइसेंस पे चला सकता है, हाँ चला सकते हैं, चला सकते हैं। वो कितना कमा लेते हैं अंदाजा? वो तकरीबन 800 से लेकर 1,000-1,200 तक वो कमा सकते हैं, अपना गुजारा अच्छा कर सकते हैं। शायद भाई एक सवाल आपसे, एक आदमी का यहाँ पे मंथली एक्सपेंस और जो खाने का रहने का खर्चा कितना होता है? मिनिमम उसका हो जाता है तकरीबन 350 तक, 350 में खाना रहना हो जाता है, मोबाइल वोबाइल का चार्ज लेके सब कुछ हो जाता है। तो एक सवाल और, तो जो 200 का रूम होता है वो उस रूम में कितने लोग रहते हैं? उसमें होता है कि अभी जैसे ज़्यादा लोग इधर आ रहे हैं तो चार बंदे और 5 बंदे तक, इससे ऊपर नहीं होते। अच्छा एक कमरे में? एक कमरे में, लेकिन और कुछ ऐसे घर हैं जिनमें 2 आदमी रहते हैं, एक रूम में दो आदमी ऐसे है। उसका कॉस्ट ज्यादा होगा? हाँ उसका कॉस्ट ज्यादा होता है, 300 रुपया, 300 हो जाएगा। और ये जो 150 रुपये खाने का आता है या 100 रुपये, तो इसमें क्या अच्छा खाना खाना? हाँ अपनी मर्जी, जो मर्जी खाओ, इतने में हो जाता है, इतने में हो, इतना महंगा नहीं, कोई महंगा नहीं। ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम है शायद भाई यहाँ पे? ट्रांसपोर्ट का इधर से 40 यूरो का मंथली कार्ड बनता है, मंथली कार्ड अनलिमिटेड पूरा लिस्बन में, पूरा लिस्बन में आप घूम सकते हो कहीं पे भी, कहीं पे भी। इसके अलावा अगर किसी को कोई सिम कार्ड लेना हो तो उसका मंथली पैकेज या कितना जीबी डेटा का कुछ आता है, कुछ आइडिया है आपको? नहीं वो उसका मुझे अभी आइडिया नहीं है, वैसे इधर मंथली सिम ही चलती है, मंथली सिम चलती है, वो 5 यूरो की 6 यूरो की मिल जाती है। अच्छा इसके अलावा तो बाकी जो आपने 150 रुपये बोल दिया, और लगभग अभी जो वेटिंग टाइम है TRC को कितना है? अभी तो जैसे चल रहा है तो 1.5 साल तक, 1.5 साल तक आपको सबर करना है। 1.5 साल मुझे अभी, 1.5 साल हुआ है तो मेरी नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह वो मेरे फिंगर है, तो आपको कार्ड मिल जाएगा इंशाल्लाह, मिल जाना। और इसकी जो आपने कम से कम 2 साल तक इंतजार किया है, 1.5 साल इंतजार किया, 1.5 साल इंतजार किया, अब जाके सपना पूरा हो रहा है इंशाल्लाह। तो ये थे हमारे शाहिद भाई, लिस्बन से हूँ मैं लाइव हेयर सैलून में, और इन्होंने मेरा दोस्तों बस थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो गया था और इंटरनेट का इशू था, अब रिकनेक्ट हो गया हूँ, तो बीच के जो वर्ड है उसको हटा दीजिएगा या नहीं देखने स्किप कर दीजिएगा। लेकिन आज की इन्फो मुझे लगता है कि जो जिंदगी से हार जाते हैं, जिन्हें लगता है कुछ नहीं कर सकते और यूरोप में 7,000-8,000 यूरो नहीं कमा सकते, तो आपका बिजनेस आप खुद भी कर सकते हो। अगर आपको पुर्तगाल में लीगल एंट्री मिल जाता है तो 10,000 यूरो के इन्वेस्टमेंट करके आप भी 5,000 यूरो की बचत कर सकते हो। ये मैंने लाइव प्रूफ शाहिद भाई के साथ दिखाया, इनके हेयर सैलून में इन्होंने अपना ये शॉप खोला हुआ है, शॉप का नाम आप देख सकते हो स्टार लाइन बार शॉप करके इन्होंने खोला है, आप भी खोल सकते हो, आप भी कर सकते हो, आप भी टेक्निकल सर्विस का ओपन कर सकते हो, आप भी प्रेसिंग का काम कर सकते हो, आप भी टाइल्स का काम कर सकते हो, इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकते हो। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइए, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो एक और चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों, सेमिनार को आपको हिट करना है कि तबरेज मलिक आ रहा है हैदराबाद में August 13, 2023 प्रसाद ऑडिटोरियम के पास में आ रहा हूँ, जो ललितपुरम कुछ है करके मेट्रो स्टेशन है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज देता हूँ, रजिस्ट्रेशन फ्री है उसका, कोई चार्ज किसी को नहीं देना है, 500 लोग की कैपेसिटी है दोस्तों, 500 लोग से ऊपर से अलाउड नहीं होगा। वहाँ पे भारी मात्रा में आइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए, फ्री सेमिनार है, आपको गाइडेंस दिया जाएगा और CV भी आपका लिया जाएगा। तो सारे लोग कोशिश कीजिए CV लेके आइए, वहाँ पे एक ड्रॉप सिस्टम होगा जहाँ पे आप CV आपको डालना होगा,
माल्टा, क्रोशिया, डेनमार्क के लिए रिलेटेड मैं सबका सिलेक्शन करूंगा, लेकिन आपको पहले गाइड करूंगा कि कैसे जॉब खोजते हैं, कैसे प्रोसेस होता है, क्या क्या होता है। उस हैदराबाद के सेमिनार को